हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शरण गोस्वामी। आज का ये वीडियो क्लास टेंथ के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो भी क्लास टेंथ में हूं, ठीक है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में जो आपका SST है, यानी कि सामाजिक विज्ञान, ठीक है, सामाजिक विज्ञान में जो आपका अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र, उसमें जितने भी MCQ क्वेश्चन, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो करना क्या है, इस वीडियो को केवल एक लाइक जो भी स्टूडेंट देख रहा है कर दो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। इससे पहले मैंने आप लोगों को कल एक वीडियो प्रोवाइड किया था, जिसमें भूगोल से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने थे, वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अगर नहीं देखा हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और उससे पहले अगर साइंस में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का का वीडियो नहीं देखा हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साइंस में और सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान दोनों में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का का वीडियो नहीं देखा हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, साइंस और सोशल साइंस, ठीक है। तो चलो पहले नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आर्थिक विकास से क्या तात्पर्य है? ये क्वेश्चन आपसे कई प्रकार से पूछा जा सकता है कि जो आर्थिक विकास होता है, देश का आर्थिक विकास, उससे क्या तात्पर्य है, या आर्थिक विकास की परिभाषा दीजिए, या आर्थिक विकास का क्या अर्थ है। तो कई प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सेलेक्ट किया हूं। उत्तर देख लो, आर्थिक विकास वह परिस्थिति है जिसमें कोई देश अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इतनी प्रगति करे जो कि उसकी जनसंख्या वृद्धि से अधिक हो। यहां सीधा सा बात है, प्रगति करना, प्रोग्रेस करना, ठीक है। जैसे यदि आर्थिक विकास वह परिस्थिति है, वो कंडीशन है जिसमें कोई कंट्री जो है ना अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इतना प्रोग्रेस करे कि उसकी जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक हो, मतलब वो जो है ना, वो कोई देश, जो देश है वो इतना प्रोग्रेस करे कि जितना उनकी जनसंख्या वृद्धि हो रही है उससे भी अधिक हो। एक दिन में जितनी जनसंख्या वृद्धि हो रही है उससे अधिक उनकी प्रगति हो, तो इसे कहते हैं आर्थिक विकास, ठीक है। नोट कर लो, मैंने बहुत ही सरल भाषा में लिखा है कि आर्थिक विकास वह परिस्थिति है जिसमें कोई देश अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इतनी प्रगति करे जो कि उसकी जनसंख्या वृद्धि से अधिक हो। तो उसकी जनसंख्या वृद्धि से अधिक हो, इसी को कहते हैं आर्थिक विकास। तो नोट नहीं किया हो तो नोट कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। तो चलो, आई होप कि आप लोगों ने आर्थिक विकास से क्या तात्पर्य है समझ गए होंगे। समझ गए हो तो बेल आइकन को हिट कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। प्रश्न नंबर 2 है, राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? यहां अभी आपको बताया था कि आर्थिक विकास से क्या तात्पर्य है, ये क्वेश्चन नोट कर लो, फिर इसे देखते हैं कि जो राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हो, राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है। तो बहुत ईजी है, राष्ट्रीय आय एक लेखा वर्ष में देश के अंदर सभी आर्थिक क्रियाओं से प्राप्त, ये वी नहीं होगा स्टूडेंट, वी हटा दो, आय में जब कोई विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ते हैं तो उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये चीज नहीं रहेगा, ये गलती से आ गया, ठीक है। देखो, यहां कहने का अर्थ है एक लेखा वर्ष में देश के अंदर सभी आर्थिक क्रियाओं से प्राप्त आय, मतलब जो देश है, अपनी कंट्री है भारत, तो उसमें मतलब आर्थिक क्रियाओं से प्राप्त आय, देश के अंदर जो है आर्थिक क्रियाओं से प्राप्त आय में जब विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ते हैं, जैसे जो विदेश से प्राप्त आय आपको हुआ है, जो प्राप्ति हुआ है, उन दोनों को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या समझ में नहीं आया, ये बताओ इसमें क्या है, इस वी को हटाए रखना, ठीक है, गलती से आ गया है। देखो, एक लेखा वर्ष में, एक वर्ष है उसमें एक लिखा हुआ, मतलब एक वर्ष में सब कुछ लिखा हो कितनी आय है, ठीक है। एक लेखा वर्ष में देश के अंदर सभी आर्थिक क्रियाओं से प्राप्त आय में जब विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ते हैं तो राष्ट्रीय आय प्राप्त होता है। दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया? समझ में आ गया हो तो प्लीज आप लोग इसे नोट कर लो, नोट करने के बाद आप लोग उसे याद जरूर कर लेना, ठीक है। यहां मैं आप लोगों से कुछ बता दूं कि
जितने आप लोग हमारे वीडियोस को लाइक करोगे उतने अधिक मैं आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, ठीक है, क्योंकि मैं इतना मेहनत करता हूं, तो आप लोग थोड़ा सा कर दिया करो वीडियो को शेयर, और जो भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहा है लाइक ज़रूर कर दिया करो। चैनल पर नया हूं सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही अच्छे से तैयारी चलने वाली है, चल भी रहा है। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 3 है, मानव विकास से क्या तात्पर्य है। मानव विकास, ठीक है, मानव विकास का अर्थ है कि एक व्यक्ति द्वारा विकास, सब कुछ समझ जाओगे। देखो यहाँ क्या था, आर्थिक विकास, मतलब जो अर्थव्यवस्था का विकास था। यहाँ आगे देखो, सॉरी, ठीक है, दूसरा प्रश्न था राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है। ये अब एक व्यक्ति की बात आई है, यानी कि मानव विकास से क्या तात्पर्य है। मानव विकास का अर्थ है कि मानव विकास का अर्थ है कि एक व्यक्ति का इस प्रकार से विकास किया जाए कि वह अपनी प्रतिभा के अनुसार सृजनात्मक जीवन बिता सके। मानव विकास का अर्थ है, जैसे यहाँ है रोहन और यहाँ है सोहन, यहाँ है राम। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ मानव विकास से क्या तात्पर्य है। अगर राम का विकास हो रहा हो, यानी कि एक मनुष्य है यानी कि मानव है, अब इनका विकास हो रहा हो राम का, ठीक है, ये दोनों जान लीजिए इनके साथ में एग्जाम्पल के रूप में थे। तो अगर मानव विकास का अर्थ है कि जैसे राम एक व्यक्ति है, तो व्यक्ति का इस प्रकार से विकास किया जाए, इन व्यक्ति का इसका इस प्रकार से विकास किया जाए कि वह अपनी ये अपनी प्रतिभा से, अपने माइंड से, अपने मतलब प्रोग्रेस से के अनुसार सृजनात्मक जीवन बिता सके, मतलब अच्छे से जीवन ये बिता सके। इसी को कहते हैं क्या, मानव विकास। समझ में आ गया मानव विकास से क्या तात्पर्य है, आई होप कि समझ में आ गया हो। एक व्यक्ति है, ठीक है, करंट नहीं लगा है वही से मैंने बना दिया है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है, तो ये अपनी मतलब विकास, एक व्यक्ति का विकास जो अपनी प्रतिभा, ये अपनी प्रतिभा और सृजनात्मकता के अनुसार जीवन बिता सके। ठीक है, ये समझ में आ गया, नोट कर लिए ना, नोट कर लो स्टूडेंट, ये सब क्वेश्चन VIMP हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप लोग नोट नहीं करोगे तो बाद में पछताओगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हिट जरूर करेंगे। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले ही आपको छोटा सा दिख रहा हो। तृतीयक क्षेत्रक से क्या तात्पर्य है, थोड़ा आपको अटपटा क्वेश्चन लगा होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि तृतीयक क्षेत्रक से क्या तात्पर्य है, जो तृतीयक क्षेत्रक होते हैं उनसे क्या तात्पर्य है। अब अगर आप लोग जानते हो तो ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है, गुड है, वेल है, बेटर है, लेकिन नहीं जानते हूँ तो मैं आपके सामने हूँ, आप नोट कर लिया करो जो क्वेश्चन मैं बताऊँ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तर देख लो स्टूडेंट, इसके अंतर्गत क्रियाएं किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती बल्कि सेवाओं का उत्पादन करती हैं। ये क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं, जैसे वकील, डॉक्टर, शिक्षक आदि। यहां कहने का अर्थ है कि इनके अंतर्गत क्रियाएं किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती हैं बल्कि सेवाओं का उत्पादन करती हैं। जैसे वकील है, वकील किसी व्यक्ति का जैसे सेवा करता है, वो किसी चीज़ में फंस गया है तो उसे छुड़ाता है, तो उसका सेवा हुआ ना। डॉक्टर किसी चीज़ का उत्पादन थोड़ा नहीं करता है, वो क्या करता है कि एक व्यक्ति को बचाता है। शिक्षक एक मतलब व्यक्ति या एक बच्ची को पढ़ाता है, उसे शिक्षित करता है। तो यहाँ यही कह रहा है कि इसके अंतर्गत क्रियाएं किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती, ना ही वकील किसी वस्तु का उत्पादन करेगा, ना ही डॉक्टर किसी वस्तु का उत्पादन करेगा, ना ही शिक्षक किसी वस्तु का उत्पादन करेगा। ये सब कोई वस्तुओं के उत्पादन नहीं करते हैं बल्कि सेवाओं का उत्पादन करते हैं, ये सब सेवाओं का उत्पादन करते हैं। ये क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं, ये सब सभी का मदद करते हैं। अगर शिक्षक है तो बच्चे को शिक्षा प्रदान करेगा, डॉक्टर है तो किसी मरीज को ठीक करेगा, और वकील है तो किसी जो अपराधी नहीं है उसे मतलब सच्चा साबित करेगा। तो यही आपको कहना है कि इसके अंतर्गत क्रियाएं किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती बल्कि सेवाओं का उत्पादन करती हैं, ये क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास मदद करती हैं, जैसे वकील, डॉक्टर और शिक्षक आदि, गाड़ी मोटर, ये सब भी हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, मौसमी बेरोजगारी क्या है। मौसमी बेरोजगारी क्या है,
मौसमी बेरोजगारी। तो मौसमी बेरोजगारी वह स्थिति है, जो मौसमी बेरोजगारी होती है वो यह स्थिति है जिसमें लोगों को पूरे साल काम नहीं मिलता है, साल के कुछ महीने में ही लोगों को बेरोजगार रहते हैं, साल के कुछ महीनों में ये लोग बेरोजगार रहते हैं। मैं समझाता हूँ, अभी समझ जाओगे। साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, जो आम का बगीचा है, ठीक है, आम का बगीचा, वो अपने पेड़ों से आम जो है ना उसे तोड़कर बेच रहा है। अब ये आम जो है ना 12 के 12 महीना थोड़ो नहीं रहते हैं, कुछ ही महीने ये रहते हैं। तो ये कुछ महीने तो रोजगार रहेंगे, लेकिन कुछ महीने ये बेरोजगार रहेंगे, साल के कुछ महीनों में बेरोजगार रहेंगे और कुछ ही महीनों में रोजगार रहेंगे। कोई भी चीज़ है, अगर मौसम के हिसाब से होता है, अगर कोई मटर का पौधा है वो मौसम के हिसाब से होगा, धान गेहूं ये सब मौसम के हिसाब से होते हैं। अगर कोई धान का धंधा करता है तो वो कुछ ही दिन रोजगारी रहता है, फिर बेरोजगार हो जाता है। तो यही कहने का अर्थ है, मौसमी बेरोजगार वह स्थिति है जिसमें लोगों को पूरे साल काम नहीं मिलता, साल के कुछ महीनों में ही साल के कुछ महीनों में ये लोग बेरोजगार रहते हैं। ऐसा काम करो जिसमें मतलब मौसम का कोई चले ही ना, ठीक है, मौसम मौसम ना दिखे। जैसे अगर आप एक टीचर हो गए ना, पढ़ लिख कर एक शिक्षक हो गए, तो क्या होगा, इसमें कोई मौसम नहीं है, चाहे गर्मी हो, ठीक है, चाहे ठंडी हो और चाहे बरसात हो। ऐसा है नहीं कि आपको हर महीने तनख्वाह दिया जाएगा, हर महीना आपको तनख्वाह दिया जाएगा और हर महीना आप आइए, ठीक है। इसे कहते हैं मतलब पढ़ा लिख कर अच्छे से नौकरी पा जाओ, तो इसमें मौसम की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मौसमी बेरोजगार क्या है, मौसमी बेरोजगार वह स्थिति है जिसमें लोग को पूरे साल काम नहीं मिलता, साल के कुछ महीनों में ही ये लोग बेरोजगार रहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6वां नंबर क्वेश्चन, समझ लो, सबको मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। उदारीकरण क्या है, उदारीकरण क्या है स्टूडेंट, मैं आपको समझाता हूँ, अभी समझ जाओगे। सरकार द्वारा निजी क्षेत्रों पर ये अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। इजी है, मैंने इजी तरीके से लिखा है। देखो, जो सरकार द्वारा निजी क्षेत्र जो हैं, मतलब जो सरकार के निजी क्षेत्र हैं पर से, मतलब निजी क्षेत्र पर से जो अवरोध हैं, अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। जैसे कोई प्रतिबंध लगाया गया कि इस क्षेत्र से आपको बाहर नहीं जाना है, तो इसे कहते हैं प्रतिबंध, तो इसी को हटा दिया जाए, इसी को कहते हैं उदारीकरण। जैसे उदारवाद हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, सरकार द्वारा निजी क्षेत्रों पर से अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण कहलाती है। समझ में आया, उदारीकरण आप लोग नोट कर लो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे नोट जरूर कर लो, फिर मैं आप लोगों को आगे समझाता हूं। तो यहां उदारीकरण प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 6 आप लोगों को समझ में आ गया होगा उदारीकरण। अब हम लोग प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। देखो, ISI किन वस्तुओं के प्रमाणक चिन्ह है, ISI किस वस्तुओं के, अगर वैसे देखा जाए तो यहां लिखा है ISI, इसे कहते हैं ISI। देखो स्टूडेंट, स्पष्ट नहीं लिखा जा रहा है, ISI, ठीक है। ISI किन वस्तुओं के प्रमाणक चिन्ह है, देखो ISI इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सामान के प्रमाणक चिन्ह है। ISI जो है ना वो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सामान का प्रमाणक चिन्ह है। किसका है, इलेक्ट्रिक, जो इलेक्ट्रिक होता है, और इलेक्ट्रॉनिक, नाम सुना होगा इलेक्ट्रॉनिक, जो बाजारों में दुकानें होती हैं ना इलेक्ट्रॉनिक के नाम से, ठीक है वो। तो यहाँ आपको समझ में आएगा कि ISI किन वस्तुओं के प्रमाणक चिन्ह है, तो उत्तर है ISI इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सामान का प्रमाणक चिन्ह है। समझ में आया, ये प्रश्न नंबर 7 है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 8 है आपके सामने,
एगमार्क किन वस्तुओं के प्रमाणक चिन्ह है? एगमार्क अभी तक ISI आया था, अब एगमार्क किन वस्तुओं के प्रमाणक चिन्ह है? तो एगमार्क खाद्य पदार्थों के प्रमाणक चिन्ह है। जो एगमार्क है, ये जो एगमार्क है, ये खाद्य खाने वाली पदार्थों का चिन्ह है, ठीक है। एगमार्क किन वस्तुओं के प्रमाणक चिन्ह है? तो एगमार्क खाद्य पदार्थों के लिए प्रमाणक चिन्ह है। समझ में आ गया होगा। अब ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप लोग थोड़ा सा भी डरिए मत, मैं आपको समझाऊंगा। उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई? उपभोक्ता आंदोलन जो है ना, उसकी शुरुआत किन कारणों से हुई थी? उत्तर है, देखो, जो उपभोक्ताओं का विक्रेताओं और उत्पाद, जो उत्पाद होते हैं उत्पादकों, ठीक है, द्वारा विभिन्न तरीकों से शोषण, जैसे उपभोक्ता से अधिक कीमत वसूल करना, वस्तुओं से मिलावट करना, जैसे वस्तुओं में मिलावट किया नहीं जाता कि, अभी आपको समझाता हूँ, कम माप तौल करना, असली के स्थान पर नकली वस्तुओं को देना आदि के लिए उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हुई। उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई, यहाँ मैं आपको समझाता हूँ। जैसे उपभोक्ता में अधिक कीमत वसूल करना, देखो आप लोगों ने देखा होगा, बाजार में कोई सामान लेने जाओ, अगर वही चीज़ गांव में लो तो आपको वो थोड़ा महंगा मिलता है। क्यों मिलता है? इसीलिए ये आंदोलन चलाया गया कि इसे भी बराबर किया जाए। वस्तुओं में मिलावट करना, वस्तुओं में मिलावट, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, अगर कोई चीज़ लेने जाओ तो वो मिलावट करके, ज़्यादा तो मैंने देखा है, अगर आप बेसन लेने जाओ ना, वही छोटा सा एग्जांपल है लो, तो आप कहोगे कि हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए स्टूडेंट, चने की बेसन, तो आपको मिलेगा किसका, पी यानी कि मटर का बेसन मिल जाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं मिलावट। और माप, कम माप तौल करना, आप ले रहे हो 1 किलो चीनी, आपको मिलेगा 800 ग्राम, इसे कहते हैं कम माप तौल करना। असली के स्थान पर नकली वस्तुओं को देना, आप जा रहे हो असली सामान लेने, असली तेल लेने, आपको वो नकली मिल जाएगा, दे देगा, ठीक है। तो आदि इसी चीज को बंद करने के लिए क्या चलाया गया, उपभोक्ता आंदोलन, ताकि सबको सही सही चीजें मिले, असली सामान मिले, और सभी को अच्छा नाप तौल पर सामान दिया जाए, मिलावट ना किया जाए, ठीक है। समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है। देखो क्या है, एक विकसित देश की क्या क्या विशेषताएं हैं? जो भी देश विकसित है ना, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये आपको बताना है, समझाऊंगा अच्छे से। देखो, एक विकसित देश की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से, एक विकसित देश की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं, मैं आपको बताता हूँ। उच्च जीवन स्तर, उनका जो जीवन का स्तर होगा वो उच्च कोटि का होगा, उच्च होगा, क्योंकि वो विकसित देश से बिलोंग करते हैं। उच्च जीडीपी, उच्च बाल कल्याण होंगे, उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं, और बहुत अच्छी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी कि इन्हें कोई रोग ना हो, क्योंकि विकसित देश में रह रहे हैं तो इनको कई सारी सुविधाएं दी जाएंगी, ठीक है। और उत्कृष्ट परिवहन, और परिवहन भी आपके अच्छे अच्छे होंगे, संचार और शैक्षिक की सुविधाएं, संचार, सभी न्यूज सुनने के लिए सब कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी, बेहतर आवाज और रहने की स्थिति, बेहतर आवास, सॉरी, आवास और रहने की स्थिति, रहने के लिए आपको अच्छा अच्छा मकान दिए जाएंगे, अच्छे अच्छे महल दिए जाएंगे, औद्योगिकी और बुनियादी ढांचा और तकनीकी उन्नति, उच्च प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा आदि में वृद्धि। कुछ आप लोग याद कर लो, कुल ना याद करो तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, ठीक है, कुछ याद कर लो। जैसे एक विकसित देश की प्रमुख विशेषताएं हैं, पहला उच्च कोटि का जीवन स्तर रहेगा, उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं, उत्कृष्ट परिवहन, संचार और शैक्षिक सुविधाएं, बेहतर आवास, रहने की स्थिति, और थोड़ा और याद कर लो, औद्योगिक बुनियादी ढांचा और तकनीक उन्नति आदि, इतना ही याद कर सकते हो, कोई और ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा निवेश किया?
जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा निवेश किया। बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सा राष्ट्रीय कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा निवेश किया। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शहरी इलाकों के उद्योग जैसे सेलफोन, मोटर गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, ठंडा पेय पदार्थ और यहाँ देखो और जंक खाद्य पदार्थों एवं बैंकिंग क्षेत्रों में ज़्यादा निवेश किया। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हैं ना, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ वो किन क्षेत्रों में ज़्यादा निवेश किए। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ जो है ना ने शहरी इलाकों के उद्योग जैसे सेलफोन, मोटर गाड़ियाँ और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, ठंडा पेय पदार्थ और जंक खाद्य पदार्थों एवं बैंकिंग क्षेत्रों में ज़्यादा निवेश किया। ठीक है, और आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत के दो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम बताओ। ठीक है, भारत के दो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम बताओ। देखो, टाटा मोटर्स तथा एशियन पेंट्स, जैसे आप लोगों ने ऊपर पढ़ा है ना यह मोटर गाड़ियाँ, तो टाटा के नाम से कितनी सारी मोटर गाड़ियाँ आ रही हैं। अगर आप बाज़ार में खड़े हो जाओ तो बहुत सारी मोटर गाड़ियाँ टाटा के नाम से आती हैं। और एशियन पेंट, पेंट अगर आप लोग देखो तो बहुत ही अच्छा एशियन पेंट होता है, जो कि ये भी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हैं। तो आप लोग ये 12 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, 100% आप लोगों को बताता हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ स्टूडेंट एक लाइक ज़रूर करना। ठीक है, चैनल पर नया हूँ तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जल्दी से आपको 200,000 सब्सक्राइबर कराना है। तो शेयर कर दिया करो फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। और हाँ, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर दो, अपने एक फ्रेंड्स के साथ कम से कम वीडियो को शेयर कर दिया करो, ताकि वो भी इन वीडियो की मदद से अच्छे से स्टडी कर सकें और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा मार्क अचीव कर सकें। तो स्टूडेंट, आपको इसका PDF कैसे मिलेगा वो मैं आप लोगों को बताऊँगा, लेकिन चलो फिर PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग डाउनलोड कर लेना। PDF जो है ना, PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कहाँ है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। PDF डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।